सो ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली होने वाला है मैक्सअप डिजिटल बोर्ड पे, कि इसकी क्या फीचर्स में आपको मिलते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ कि ये कौन सा साइज है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी कॉस्टिंग क्या जाएगी आपके घर पे इंस्टॉलेशन करने तक का, और कहाँ से आप ये ले सकते हैं प्रॉपर, जहाँ से आपको सर्विस मिल सकती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है की जिससे हम पैनल को करते हैं ऑन। तो ये इंटरफेस दिखता है सबसे पहले, राइट। और इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको नोट का सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसपे आप पढ़ा सकते हैं। लाइक कि मैं क्लिक करता हूँ, यह पेन मिलता है इसके साथ दो, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको मांगेगा कि जो आपने लास्ट में पढ़ाया हुआ है क्या उसको आप फिर से लाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे आपको सिलेक्शंस के ऑप्शन मिल जाते हैं, पेन के ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे हम पेन को अपने हिसाब से साइज कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से मैंने किया, और यहाँ पे मैं और बड़ा थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप पेन का साइज रख सकते हैं। इसके साथ आपको इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, इरेजर आप इजीली ऐसे यूज कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं यूज करना तो आप अपने पाम का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्लीन ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक कि मैंने यहाँ पे मेरा पूरा पेज फिल हो गया, राइट। इसको मैं क्लीन ऑल करूंगा तो क्लीन हो जाएगा। रूलर में ऑप्शन मिल जाते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स, और साथ में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन। शेप्स में आपको 3D टूल्स और 2D टूल्स दोनों मिल जाते हैं। ये देखिए 3D टूल्स, लाइक इस तरीके से यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको माइंड मैप, नोट, मूव करने का ऑप्शन, इन द सेंस जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और मैं इससे क्लिक करके इजीली मैं यहाँ पे इसको करके यहाँ फिर से मैं कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ, अपने कंटेंट को दे सकता हूँ। इस तरीके से आप इस पर आप पढ़ा सकते हैं, राइट। इसको क्लीन कर लेता हूँ, और साथ ही साथ इससे आपको मिल जाते पेज ऐड करने का ऑप्शन। ये सारी चीज़ें आपको नोट में मिल जाती हैं, मेन्यूज में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्ट करने का ऑप्शन, आपके पास PPT है, कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप इमेज कर सकते हैं इम्पोर्ट। और साथ ही साथ थीम चेंज करने का ऑप्शन, लाइक कि मैं थीम चेंज कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको बैकग्राउंड में मिल जाते हैं, लाइक ये मैं ये देख सकते हैं, ठीक है। ये तो था एंड्रॉइड। अब मैक्सअप की बात करूँ तो मैक्सअप आपको मिलता है विद OPS, जो ये मैं पैनल यूज कर रहा हूँ ये विद OPS है। तो हम करते हैं स्विच OPS में। तो OPS में स्विच कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एरो का, एरो पे जाने के बाद मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको PC का ऑप्शन, PC पे हमें क्लिक करना है। इस तरीके से मैंने PC पे क्लिक किया और हम आ चुके हैं अपने PC मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम या आपका लैपटॉप। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर मुझे OPS का कॉन्फ़िगरेशन जाना है तो सबसे पहले इस पर हम क्लिक करेंगे, दिस PC पे इस पर हम क्लिक किए रहेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि i5 11th जनरेशन ये OPS का कॉन्फ़िगरेशन है, और 8GB का इसमें रैम मिल जाता है आपको, राइट। i5 11th जनरेशन 8GB का रैम इसमें आपको मिल जाता है, जो OPS का कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो इसमें आपको मिल जाता है बैटेलो, तो बैटेलो पे मैं यहाँ पे बैटेलो लिखा हुआ, इसमें बोर्ड पे क्लिक करूँगा। इस तरीके से आपको इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है बैटेलो का। तो यहाँ पे मैं इजिली पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लाइक कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मार्ट इन्फोविजन, राइट। इस तरीके से मैं इजिली पढ़ा सकता हूँ। और इसमें और भी क्या मिलता है, इसमें आपको मिल जाता है बैटेलो के साथ साथ आपको मिल जाएगा इसमें यहाँ पे Note 3 का सॉफ्टवेयर। Note 3 में आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा Note 3 का काफ़ी। इसको मैं कट करता हूँ, और साथ ही साथ अगर मैं इसकी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो कॉस्टिंग इसका ये जो भी साइज़ होने वाला है ये है आपका 65 इंचेस का साइज़। कोई डाउट आपको होता है लाइक मतलब यूज़ कैसे करने के लिए, जैसे अब क्या है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग बोर्ड देने वाले हैं, ठीक है। बट अगर हम एक किसी ऑथोराइज्ड डीलर से या ऑथोराइज्ड वेंडर से जब किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। और मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो कॉस्टिंग आपको जो मिल जाता है यहाँ पे, ये अभी जो साइज़ है 65 इंचेस का है, इसमें आपको वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं लाइक 75 इंचेस एंड 86 इंचेस, दो वेरियंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं एक रेगुलर साइज़ की बात करता हूँ तो वो होता है 75 इंचेस का।
तो 75 इंचेस का जो आपका कॉस्टिंग जाता है आपके लोकेशन पे इंस्टॉल करके, अर्थात मतलब विथ GST, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड 3 ईयर की ऑन साइट सर्विसेज के साथ, मतलब आपको सर्विस भी एक ऑथोराइज डीलर से लेने से प्रॉफिट क्या होता है कि आपको केवल वोड ही नहीं, आपको कैसे चलाना है वो आपको गाइड करते हैं। जैसे इसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स दिए होते हैं, नोट 3 एंड डाइटेलो नोट 5 सॉफ्टवेयर्स, तो उसको कैसे रन करना है। प्रोडक्ट लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करना, बिकॉज आप एक टीचर हैं, एक टीचर टेक्निकल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हमारी जो टीम है, ऑल ओवर टीम जो स्मार्ट इन्फोविजन की है, वो ऑफिशियली आपको सपोर्ट देती है कि कैसे आपको चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को रन करना है। तो मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ जो ऑफिशियली प्राइस है वो है आपका 1,95,000 आपके लोकेशन पे इंस्टॉल करके विथ GST, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज के साथ में, ठीक है। या आपको मार्केट में 2 लाख तक, मतलब ये नॉर्मली आपको प्रोजेक्शंस मिल जाते हैं 1.95 to 2 लाख, बिकॉज ये एक ऑफिशियल प्राइस है, ठीक है। अगर इसे नीचे जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ कुछ घोटाला है भाई, क्योंकि मैक्सअप का ये ऑफिशियल प्राइस है। और साथ ही साथ अगर हमसे आप लेते हैं तो आपको कुछ बेस्ट प्राइस में भी चीज़ें मिल जाएंगी, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे, बिकॉज हम मार्केट में 10 ईयर्स से काम करें स्पेशली टीचर्स के लिए। तो कौन सा बोर्ड आपको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, सो दैट आपको एक अच्छी सर्विसेज मिल पाए, ठीक है। और साथ ही साथ इस यहाँ पे आपको हम प्रॉपर एक ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको चीज़ों को यूज़ करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।